इंडस्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज। अब हमारी इंडस्ट्रीज में देखते क्या है, यहाँ से देखिए, रॉ मटेरियल इज बेसिक थिंग्स फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट इज मेड। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें चाहिए होती है, जिससे वो चीज बनाई जाती है, तो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल आर मेड इन फैक्ट्रीज बाई यूजिंग वुड एंड ग्रेफाइट। जैसे कि एग्जाम्पल दिए कि पेंसिल जो आपके पास रहती है वो फैक्ट्रीज में बनती है, और फैक्ट्रीज में बनती है किससे बनती है, उसके लिए हमको वुड मीन्स लकड़ी और ग्रेफाइट की जरूरत पड़ती है। हेयर वुड एंड ग्रेफाइट आर द रॉ मटीरियल एंड पेंसिल आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ वुड। यहाँ पे पेंसिल बनाने की हमको किस चीज की जरूरत पड़ी थी, लकड़ी वुड की और ग्रेफाइट की। तो लकड़ी और ग्रेफाइट क्या है, रॉ मटेरियल है, और पेंसिल क्या हो गया हमारा, फिनिश्ड वुड, मतलब जो तैयार माल हो गया है पेंसिल, फिनिश्ड वुड और गुड्स। द एक्टिविटी डेट प्रोड्यूसेस फिनिश्ड वुड बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इज इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड इंडस्ट्री। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी को इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे ही कच्चा माल जहाँ से आता है, फिर फैक्ट्री में बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। ओके, दिस इज द दिस दस द वर्ड इंडस्ट्री सिंपली इंप्लाइज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल इन फैक्ट्री। इसका मतलब इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया, जो कि प्रोडक्शन होता है सामान का और फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री में जो सामान बनाया जाता है और जिस सामान से बनाया जाता है वो सारी इंडस्ट्री। अब थिंग्स नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री। अब एक इंडस्ट्री को सेटअप लगाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे देखते हैं थिंग्स, या फिर बुक में लिखा हुआ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नीडेड मतलब जरूरत पड़ती है टू सेटअप एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इस चीज की जरूरत पड़ती है एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए। द बेसिक फैक्टर्स डेट डिटरमाइन द सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्री एट अ प्लेस आर एज फॉलो। ये चीज की जरूरत पड़ती है। देखिए हम फर्स्ट में देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड टू सेटअप अ फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल यूनिट। सबसे पहले हमको लैंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को हमको सेटअप लगाने के लिए सबसे पहले हमको जमीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लैंड मतलब जमीन होता है जहाँ पे हमको फैक्ट्री लगाएं। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल, उसके बाद हमको रॉ मटीरियल की जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिससे कि वो चीज बनाई जाएगी। जैसे कि पेंसिल बनती है, तो पेंसिल किससे बनती है, लकड़ी और ग्रेफाइट से बनती है, तो ये रॉ मटेरियल, इस तरह का रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इफ वन वांट्स टू सेट अप एन इंडस्ट्री यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेंसिल, जैसे मैंने बताया पेंसिल बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल में लकड़ी और ग्रेफाइट की, तभी हम क्या बना पाएंगे, पेंसिल बनाएंगे। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी टू प्रोसेस द रॉ मटेरियल एंड गेट फिनिश गुड। इसके लिए हमको मशीन की जरूरत पड़ेगी, है ना, मशीन से तो बनेगा, मशीन नहीं रहेगी तो वहां पे क्या चीजें नहीं बन पाएगी, है ना। उसके बाद है रेगुलर पावर सप्लाई एट अफोर्डेबल प्राइस टू रन द इंडस्ट्रियल यूनिट। उसके बाद हमको पावर सप्लाई मतलब बिजली की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम क्या करा पाएंगे, मशीनों को चला पाएंगे, और ये भी हमको जहाँ पे हमको कम दाम में बिजली मिलेगी वहां पे हम लगाएंगे अपनी इंडस्ट्री। इसके बाद सफिशियंट पीपल और ह्यूमन रिसोर्स, इसके बाद हमको लोगों की भी जरूरत पड़ेगी जो वहां पे काम करेंगे, पीपल या ह्यूमन रिसोर्स उसी को बोलते हैं जो काम करेगा, ठीक है। इसके बाद इनफ फाइनेंस और मनी टू पुट ऑल द थिंग्स इन प्लेस टू रन द यूनिट। इसके बाद हमको फाइनेंस में पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस
फाइनेंस या मनी, पैसों की जरूरत पड़ेगी भैया, मशीनें लगाने के लिए, लोगों को पैसे देने के लिए, ये चीजें खरीदने के लिए, है ना। नेक्स्ट है एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके बाद हमको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा, टू ब्रिंग इन रॉ मटेरियल एंड सेंड फिनिश गुड टू द मार्केट, इससे क्या होगा, जो हमारा कच्चा माल है वो फैक्ट्री तक पहुंचेगा और जो माल तैयार हो जाएगा वो बाजार तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको किसके लिए चाहिए होती है, ये इंडस्ट्री को लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होती है, लैंड चाहिए होती है, जमीन जहाँ पे कोई फैक्ट्री लगेगी, रॉ मटेरियल चाहिए जिससे कि वो चीज बनाई जाएगी, मशीनें चाहिए होंगी, पावर सप्लाई बिजली चाहिए होंगी जिससे मशीनें चलेंगी, पीपल लोग चाहिए होंगे जो वहां पे काम करेंगे, और फाइनेंस मनी चाहिए होंगी जिससे ये सारा काम होगा, ओके। ये देखिए यहाँ पे लिखा है टिम्बर रॉ मटेरियल इज प्रोसीड इन अ वर्कशॉप टू मेक फर्नीचर फिनिश गुड, हमको लकड़ी चाहिए थी रॉ मटेरियल में, उसके बाद हमने उस रॉ मटेरियल से क्या बनाया, फर्नीचर बना दिया, फिनिश गुड क्या है, फर्नीचर, ठीक है। तो ये है हमारी इंडस्ट्री का, आज हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ओके। तो आज आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, होमवर्क में रीड चैप्टर 13, ओके।